गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ धाम और मंदिर तीन तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ पहाड़ और दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। न सिर्फ तीन पहाड़ बल्कि 5 नदियों का भी संगम है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, खीरगंगा, सरस्वती और सवर्णगौरी। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन मंदाकिनी नदी आज भी मौजूद है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3,581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का बना हुआ है और इसके निर्माण के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार चोटी पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से खुश होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। ये मंदिर 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बेल वाहन के रूप में विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, इसका ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। इस मंदिर के निर्माण में भूरे रंग के बड़े पत्थरों का प्रयोग बहुत ही अधिक किया गया है और मंदिर की छत लकड़ी से बनी है, जिसके शिखर पर सोने का कलश है। केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है, पहला गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप और तीसरा सभा मंडप। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए ये मंदिर केवल 6 महीने ही खोला जाता है और 6 महीने बंद रहता है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं, जो कि अगले 6 महीने तक जलता रहता है।